नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलेश और हमारे इस एक्टिव प्लम्बर चैनल में स्वागत है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये चंद्रभान साहब है, ये नासिक में काम करते हैं, तो इन्होंने ही काम किया है। तो यहां पे आप रैपिडो टी देख सकते हैं ग्रोहे का, तो इसको इंस्टॉल किया है और उसके साथ में 4 बॉडी शूटर्स दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने ये जो थर्मोस्टैटिक है, थर्मोस्टैटिक तो उसको लेफ्ट से हॉट का कनेक्शन दिया है और राइट से कोल्ड का कनेक्शन दिया है। तो यहाँ पे जो इनलेट है वो लेफ्ट और राइट से दिए हुए, और ऊपर से जो 2 कनेक्शन निकले हैं वहाँ से आप देख सकते हैं लेफ्ट वाला वो स्पाउट को आया है। यहाँ पर स्पाउट है, देखिए स्पाउट को यहाँ पर एक ट्विन एल्बो लगाया है, तो ट्विन एल्बो को भी एरो रहते हैं, तो जो इन का है उसमें इन करना है, जो आउट का है उसको राइट साइड में हैंड शावर को देना है, और ऊपर से जो दूसरा पॉइंट निकला है वो राइट साइड का है। तो यहाँ पे राइट साइड में हमने यहाँ पर शावर के लिए पॉइंट छोड़ा है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमने जो नीचे से आउटलेट निकला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो नीचे का आउटलेट है इसको ऑन ऑफ के लिए कुछ जगह नहीं है, ये आपका थर्मो एलिमेंट है, और यहाँ पर ऑन ऑफ के लिए 2 ऊपर के लिए रहता है और नीचे से नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे स्टॉप कॉक दिया है, और स्टॉप कॉक्स दे के इसको हमने बॉडी शूटर को यूज़ किया है। अभी यहाँ पर 4 बॉडी शूटर्स है और कस्टमर की चॉइस थी कि हमको वर्टिकल में चाहिए, तो हमने पहला जो रखा है फ्लोरिंग से 500 पे रखा है, दूसरा जो रखा है 800 पे रखा है, तीसरा जो है 1100 पे है, और चौथा है 1400 पे। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसको जो लूपिन किया है वो 45 शू से किया है, यहाँ पर कोई भी एल्बो वगैरह यूज़ नहीं किया है। आप देखेंगे तो यहाँ ऐसा ही लूपिन करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका एल्बोस ज़्यादा यूज़ होते तो प्रेशर ड्रॉप होने के चांसेस रहते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर काम अच्छा हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिन मिक्सर हैं। और दोस्तों और एक बात थी, यहाँ पर जो मिनिमम मैक्सिमम है वो इसके ऊपर वाइट पट्टा दिखाया है, उसके बिल्कुल सेंटर में आपको रखना है, वैसे ही इसको भी दिया है बॉडी शूटर को, उसका भी मिनिमम मैक्सिमम आपको बिल्कुल सेंटर में रखना है। इस काम करने से पहले आपको टाइल का ठिया लेना है और लाइन दूरी से काम करना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिन मिक्सर है, इसका जो नीचे से इनलेट रहता है वो हॉट का रहता है नीचे से, और राइट साइड वाला रहता है कोल्ड का रहता है, ठीक है दोस्तों। और इसका जो मिनिमम मैक्सिमम है ये साइज रहती है, यह इसके सेंटर में आपको चाहिए, और उसका वो स्पाउट है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्त, यहाँ पर फ्लश टैंक है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।